अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं और हमारी वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो आज मैंने मीनाल को उर्दू का एक नया हर्फ सिखाना है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मीनाल हेलो से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम करना है, मुझे तो आपने कर लिया है। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रीडिंग जी। ये कौन सा हर्फ है? कौन सा हर्फ है? सेसर समर और सेसर साबित कहते हैं जो चीज पूरी है। ये पूरी है ना, कोई कट खाते हैं जी, ये खाते हैं पकाके। ओके, सेसर समर भी पकाके खाते। नहीं, फ्रूट्स नहीं हम पकाते, ये ना हम साफ करके फिर धो के फिर काट के वॉश करके फिर खाते और उसको ठंडा करके। हाँ, ठंडा करके और फिर रूम ठंडा करके इसी लगा के फिर ठंडा। ओके बेटे, जो ज्यादा सारे फल होते हैं ना, ज्यादा सारे फ्रूट्स, उसको समर बोलते हैं। हाँ, समर। ज्यादा सारे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? समर। से स समर, से स समर, से स साबित, से स साबित, से स साबित। ठीक है, से के ऊपर एक 1 2 3 यस, 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है स, से स समर, से स समर, से स साबित, से स साबित। ओके, से स समर, से स साबित। एक्सीलेंट, अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए, से स समर की एक्टिविटी भी आ गई है। हाँ, ये आप अपने पास रख लें। हम कर लेंगे एक फूल वाली, वो है ना कलर। ओके, यस, सी ऐसी आवाज करो। ओके मीनाल, ये पहले, सबसे पहले आप इसको पेस्ट करेंगी। अच्छा, ये टोकरी को जी, ये चले लगाइए। समर की टोकरी बनानी है बेटे, पहले इसको लगाए ना ऐसे। बस करो ना, मेरी हेल्प ना करो। आपकी हेल्प ना करूं? ना, मैं कुछ ही हेल्प करूंगा। केले आप तो ना करो, आप वीडियो बनाओ, बस पेज करो। ओके चलें, ये मैंने ग्लू लगा दी है। पहले हमने ये समर लगाइए, समर बनाने हैं ये। से स समर, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वाली आपका फल यहाँ आएगा, फल। वेरी गुड, यहाँ केला लगाएं। केला, ये केला जी, लगा दें। इसको बनाना कहते हैं, बनाना जी इंग्लिश में बनाना बोलते हैं। जी अंगूर लगाने हैं नीचे। अंगूर ये चले बेटे, आम की बारी आ गई। आम, ये यस आम। तरबूज, तरबूज, मेरे पता ही इधर ये होते हैं। सेब ये है, सेब, ये भी सेब है जी, ये भी सेब है। दोनों सेब क्यों होते हैं? बस। अब ये सारे क्या बन गए हैं? समर। ज्यादा सारे फल समर होते हैं। हाँ, ज्यादा सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो समर होते हैं। हाँ, तो अब आप बेटे अली, ये हम ना आज मैं आपको दूसरी रिवीजन भी करवा रही हूँ। यहाँ पेस्ट है अलिफ, और यहाँ अलिफ मदा आप पेस्ट करेंगी। ढूंढे अलिफ, ढूंढे पहले। अब अलिफ लगाइए, अलिफ ढूंढे पहले। अलिफ, 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 ये।
यस अलिफ। वेरी गुड अलिफ। अलिफ और ये कौन सा हर्फ है? अली मद्दा। ओके अब आप यहाँ लगाए बे बो। बे बो बे के नीचे एक नुक्ता। एक नुक्ता ये। एक मिनट छोड़े प्लीज ये ऐसे आएगा। बे के बाद क्या आता है? पे के बाद ये पेपर। पे के नीचे तीन नुक्ते। पे के नीचे तीन नुक्ते। पे के नीचे तीन नुक्ते बेटे। पे के नीचे तीन नुक्ते ये ऐसे होते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं जी। पे के नीचे तीन नुक्ते लगाएं। पे के बाद क्या आती है? ये होती है ते तो। ते के ऊपर जी यही है ते तो। ते तो फोकस ऑन योर एक्टिविटी। अपनी एक्टिविटी पे आप फोकस करें प्लीज। ते के बाद क्या आती है? टोपी। टेट 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 बेटे ये टे नहीं है। टे के सर पे टोपी होता है। टोपी जी। ये खर 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 मैं करूँ बोलूँ ऐसे। चले अब से लगाइए। चले लग गया से हो गया पेस्ट। आज की बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई है ना। चले अब हम अपने प्यारे से व्यूवर्स को दिखाते हैं। जी ये देखिए भाई से स मैंने पढ़ाया है और बाकी मैंने मिनाल को ये सीक्वेंस के साथ अलिफ से तक लगवाई है। और साथ ये डियर व्यूवर्स ये आपने अपने बच्चों को बताना ये बे का ख़ानदान है। बे पे ते टे से ये बे का ख़ानदान है ठीक है। उसकी फैमिली है। इस तरीके से बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और ये कोई मुश्किल एक्टिविटी नहीं थी। सिर्फ आपने फ्रूट्स की पिक्चर्स लेनी है और उसको समर बना के लगा देना है। बच्चों को इस तरह से ना इंजॉय करके पढ़ाया करें ताकि उनके माइंड में ये चीज़ें रह जाती हैं। और आपको पता है कोई अननोन पूछे तो ये फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं। कोई इस तरह से एक्टिविटी जो होती है ना वो बताते हैं हमने ऐसे किया था ये इस तरह से करते हैं ये होता है। तो आप इनका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को क्लियर कर लिया करें। जैसे मैं करवाती हूँ से के ऊपर तीन नुक्ते बे के नीचे एक नुक्ता याद रहता है। पोइम की तरह पढ़ाया करें नज़म की तरह। अलिफ अ अलिफ मदा अ बे के नीचे एक नुक्ता बे कहता है ब। व्हाट आर यू डूइंग? बे के बाद क्या आती है? पे प। पे के नीचे तीन नुक्ते पे कहता है प। पे के बाद क्या आता है? ते त। ते के ऊपर दो नुक्ते ते कहता है त। ते के बाद क्या आता है बच्चों? टे ट। टेक सर पे टोपी टे कहता है ट। टेक के बाद आता है से स। से के ऊपर तीन नुक्ते से कहता है स। से स समर। तो आज भी मेरी बड़ी अच्छी और डिसेंट एक अलग तरीके की एक्टिविटी है। मुश्किल भी नहीं है आसान है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना ताकि इस वीडियो से दूसरे और भी मदर्स या बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर हम दोबारा आएंगे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के दुआ लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।